जय हिंद एवरीवन भाई। यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर की भर्ती निकली हुई है जिसमें टोटल 1374 पोस्ट है और मेल और फीमेल सभी लोगों के लिए है। तो अभी स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को सब कुछ दिखा दे रहा हूँ। सरकारी रिजल्ट पर भी दिखाने लगा है और उसका ऑनलाइन होना भी स्टार्ट हो गया है। तो कब से कब तक उसका ऑनलाइन कराया जाएगा और कितना हाइट लगेगा, कितना वेट लगेगा और कितना दौड़ कराया जाएगा और कितना पास रहोगे तो उसमें ऑनलाइन करा सकते हो, अभी ये पूरा डिटेल्स मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ। थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन नहीं होगा, ठीक है ना। देखो यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर में टोटल 1374 पोस्ट है। अभी मैं आप लोग को सरकारी रिजल्ट पर ले जाकर सब कुछ दिखा दे रहा हूँ। सबसे पहले आप लोग ये जान लो ना कि यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर का काम क्या होता है। देखो ये जो रेडियो है ना, ये मतलब यूपी पुलिस के पास रहता है, हमेशा रहता है और हेडक्वार्टर में भी रहता है। तो जब ये रेडियो खराब होता है ना, थोड़ा सा भी कुछ मिस्टेक होता है, तो यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर जो होता है तो ये पूरा का पूरा सही कर देते हैं और ये सबके पास रहता है, ठीक है ना। तो यही काम होता है। और इसका एजुकेशन कितना चाहिए अभी मैं आप लोग को बता रहा हूँ। देखो ये सबके पास है, रेडियो सबके पास है और पता है कुछ इस तरह का रहता है, आप लोग देखे होंगे। सरकारी रिजल्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके हैं और आप लोग खुद लाइव देख लेना इसमें कितना पास रहोगे तो ऑनलाइन करा पाओगे और कितना दौड़ होगा, कितना हाइट लगेगा, कितना चेस्ट लगेगा और कब से कब तक इसका ऑनलाइन कराया जाएगा। देखो यहाँ यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर 2022 अप्लाई ऑनलाइन फॉर 1374 पोस्ट, तो मेल और फीमेल सभी लोगों के लिए 1374 पोस्ट है, ठीक है ना। और नीचे देख लेते हैं कब से कब तक इसका ऑनलाइन कराया जाएगा। देखो एप्लीकेशन बिगेन 20/1/2022 से इसका ऑनलाइन चालू हो गया है और लास्ट डेट 28/2/2022 तक है। अब बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फीस कितना रुपया लगेगा। तो जनरल ओबीसी के लिए 400 रुपया फीस लगेगा और एससी एसटी के लिए भी 400 रुपया फीस लगेगा, ठीक है ना। सभी लोगों के लिए 400 रुपया फीस है। अब बात कर लेते हैं इसमें कितना एज मांगा है। तो देखो यूपी पुलिस ऑपरेटर के लिए मिनिमम एज 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम एज 22 साल होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसको आप लोग अच्छे से देख लेना और ये आप लोगों को बहुत ज़रूरी है, ये पता होना आप लोगों को बहुत ज़रूरी है, नहीं तो बहुत सारे भाई कन्फ्यूजन में पड़ जाते हैं। देखो टोटल 1374 पोस्ट तो है लेकिन इसमें बोला है 10+2 पास होना चाहिए, ठीक है ना, 12 पास होना चाहिए और वो भी फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स एज ए कंपल्सरी सब्जेक्ट है। तो फिजिक्स और मैथ आपका जरूर होना चाहिए 12 में, ठीक है ना, 12 पास होना चाहिए और फिजिक्स और मैथ रहेगा तभी आप ऑनलाइन करा पाओगे। अब बात कर लेते हैं इसमें कितना हाइट लगेगा, कितना चेस्ट लगेगा और कितना वेट लगेगा। देखो मेल और फीमेल सभी लोगों के लिए दिया है, तो मेल के लिए पता है हाइट लगेगा 167 सेंटीमीटर जनरल ओबीसी और एससी वालों का, और एसटी वालों मेल का लगेगा 160 सेंटीमीटर, ठीक है ना। और देखो मेल के लिए जनरल ओबीसी और एससी वालों का चेस्ट लगेगा 79 से 85 सेंटीमीटर और एसटी वालों का चेस्ट लगेगा 77 से 82 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं दौड़ कितना कराया जाएगा मेल के लिए, अभी मैं आप लोग को बता रहा हूँ। देखो दौड़ कराया जाएगा 4800 मीटर और 28 मिनट का टाइमिंग मिलेगा, ठीक है ना, 5 किलोमीटर से कम ही कराया जाएगा और 4800 मीटर दौड़ कराया जाएगा और टाइमिंग मिलेगा 28 मिनट, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं फीमेल का, तो फीमेल का जनरल ओबीसी और एससी वालों का हाइट नापा जाएगा 152 सेंटीमीटर और एसटी वालों का हाइट नापा जाएगा 147 सेंटीमीटर, ठीक है ना, फीमेल का। और चेस्ट नहीं नापा जाएगा फीमेल का। और दौड़ पता है 2400 मीटर कराया जाएगा, 16 मिनट का टाइम मिलेगा। तो दौड़ तो सभी लोग कर देंगे और हाइट भी कम मांगा है, एसटी वालों का तो बहुत कम मांगा है और सभी लोगों का 168 सेंटीमीटर मांगा है, तो काफ़ी अच्छा है भाई। और देखो ये किस में कितना पोस्ट है ये भी देख लो, जनरल वालों का है 552 और ईडब्ल्यूएस वालों का 137 और ओबीसी का है 370, ठीक है ना, और एससी वालों का है 288 और एसटी वालों का है 27, 1374 हुआ है। अब नीचे तो कुछ नहीं दिया है, नीचे आप लोग खुद देख सकते हो, ये दिया है हाउ टू फिल अप पुलिस रेडियो कैडर असिस्टेंट ऑपरेटर ऑनलाइन और फार्म, जैसे कैसे फार्म भरा जाएगा वो सब पूरा प्रोसेस बताया है, आपका डेट ऑफ बर्थ मतलब किसके किसके बीच में होना चाहिए। आप लोगों ने सब कुछ देख लिया भाई, इसमें टोटल 1374 पोस्ट है मेल और फीमेल सभी लोगों के लिए। मेल के लिए हाइट 168 सेंटीमीटर मांगा है और एसटी वालों का तो हाइट में भी छूटा है और चेस्ट में भी छूटा है, और फीमेल के लिए हाइट 157 सेंटीमीटर मांगा है जो कि एसटी वालों का फीमेल में भी हाइट में भी छूटा है और चेस्ट में भी छूटा है। और दौड़ 4800 मीटर कराया जाएगा मेल का और फीमेल का 2400 मीटर कराया जाएगा, ठीक है ना।
तो काफ़ी अच्छा है, लेकिन इसमें एक शर्त भी है, जो भाई 12 पास रहेंगे मैथ है और फिजिक्स मतलब रहेगा तभी ऑनलाइन हो पाएगा, ठीक है ना। तो उसको आप लोग देख लेना, और ऑनलाइन होना स्टार्ट हो गया है, करा लेना, ठीक है ना। तो चलो ठीक है भाई लोग, अपना बहुत सारे भाई परेशान हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा वीडियो देखते, कन्फ्यूजन में पड़ते, सरकारी जल पर अभी और भी दिखा रहा है, तो उसमें ITI डिप्लोमा बहुत सारा कोर्स मांग रहा है यार। तो उतना तो हम लोग नहीं किए हैं, हमसे जितने भी भाई जुड़े रहते हैं ना, हमें लगता है हाई स्कूल और 12 पास रहते हैं जो ग्राउंड पर तैयारी करते हैं वही लोग ज़्यादा करके जुड़े रहते हैं, तो इसलिए ये सब भर्तियाँ आती है तो बता देता हूँ। चलो ठीक है भाई लोग, जय हिंद। कन्फ्यूजन में पड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है यार, आप लोग अपना ऑनलाइन करा लेना, ठीक है ना।